ये तीन बस्तियों का मसला है, विवेकानंद नगर, श्री राम नगर, शिवाजी नगर, और ये पूरा बोझाबुट्टा से फेमस है। यहाँ पे 10,000 लोग रहते, 8,000 जने अपार्टमेंट होना बोल रहे हैं, डबल बेडरूम, और 2,000 जने घर होना बोल रहे हैं, पट्टा होना बोल रहे हैं। और ये ड्रामा जो है 6-7 साल से चल रहा, और ये ड्रामे का मेन रीज़न यहाँ के पूरे पॉलिटिकल लीडर हैं। यहाँ पे कई पार्टियाँ हैं और कई पार्टियों के कई लीडर हैं, हर एक जने अपना अपना ड्रामा कर रहे हैं। अब जैसा जो पट्टा चाह रहे हैं, वालिद साहब को पट्टा होना और बेटी को डबल बेडरूम होना, मियाँ को पट्टा होना, बीवी को डबल बेडरूम होना, तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान चल रहा है यहाँ पे। सो ये मसले को जब खत्म करना है, तो मेरा प्रपोजल था भाई ऑल पार्टी को बुलाओ, ऑल पार्टी को बिठाओ। देखिए मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी है, तेलंगाना में KCR साहब है, और डबल बेडरूम आप दे रहे हैं। चलिए आप जितने बोले उतने नहीं दे रहे। आप बोले हम ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम दिए, आप नहीं दिए, आप 10,000 दिए, पर खैर कोई बात नहीं है, जो भी दिए वेरी गुड। मैं आज कॉन्ट्रेडिक्ट करने नहीं आया। और आज जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, कांग्रेस के तरफ से फिरोज खान आके ये बात बोले, कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्रेडिट जान दो, इनाम जान दो, मगर ये गरीबों को घर होना, इनकी पूरी जिंदगी, ये लोग आप फिर के देखिए इनके घरों की हालत। इनके घरों की हालत देखिए आप, ये कहाँ खाते, कहाँ नहाते, कहाँ सोते, मच्छर से प्रॉब्लम, सांप से प्रॉब्लम, मच्छर से प्रॉब्लम, सांप से प्रॉब्लम, अच्छा स्कूल नहीं, अच्छा हॉस्पिटल नहीं। आज हमारे मुख्यमंत्री साहब हैदराबाद को आप इस्तांबुल डायलस बनाते बोलते, ये नामपल्ली है, हार्ट ऑफ द सिटी है, और उसके अंदर एक बोझागुट्टा कैपिटल सिटी के अंदर 10,000 लोगों की आप कैफियत देखिए। तो हमारा ये प्रपोजल था, वो 2,000 जने जिसको पट्टा होना बोल रहे हैं, आप पट्टा तो नहीं दे सकते, छोड़ दीजिए, मगर ये जो 8,000 जने हैं इनको इमीडिएटली आप घर बनाइए, इमीडिएटली टेंडर सैंक्शन कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर को सेट कर दीजिए, मटेरियल लाके डाल दीजिए, काम स्टार्ट करवा दीजिए। सो आज हमारा प्रपोजल BRS गवर्नमेंट को ये था कि सिर्फ आप बातचीत मत करिए, खाली बकवा मत करिए, नरेंद्र मोदी के वैसे जुमले मत बोलिए, वादे जो करे उसको मुकम्मल करिए। आवाम परेशान है, किसी भी हालत पे 1 महीने के अंदर यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाना और डबल बेडरूम आप दे देना। सुनेंगे सुनेंगे, उसके बाद में आरके भी प्रपोजल रखे हम। आज जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे कल के डिक्लेरेशन में जो चेवेल्ला में हुआ, और जो हमारे प्रेसिडेंट इंडिया है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये बात बोले हैं कि राजशेखर रेड्डी की जब गवर्नमेंट थी, जब हम पट्टे रोक दिए थे, उसके बाद KCR भी पट्टे रोक दिए थे, मगर इंशाल्लाह ये टाइम हम पट्टे देंगे, और घरा बनाने के लिए पट्टे देके 6-6 लाख रुपए देंगे। अगर से आगे जाके आवाम का आशीर्वाद मिल जाता है और कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आती, तो हम डबल बेडरूम भी बना सकते, हम पट्टे भी बना सकते, मगर फिल वक्त ये सोच के हम चलेंगे कि BRS की पार्टी है, KCR साहब है, और यहाँ KTR साहब है, आप मेहरबानी करके इमीडिएटली आपके लोकल मिनिस्टर श्रीनिवास यादव को बुला के इमीडिएटली यहाँ पे काम स्टार्ट करो बोल के आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए। ये हमारा उनको डिमांड था। BRS के लीडर बोल रहे हैं, क्या ड्रामा, अब KCR को बोलते नरेंद्र मोदी रोकरा बोलते, KCR बोलते नरेंद्र मोदी बोलते, KCR साहब हमारी बात नहीं सुन रहे बोलते, तो ये ड्रामा चल रहा, समझे ना। दिल्ली में दोस्ती, गली में कुश्ती, लोगों को दीवाने बनाने का ये ड्रामा चल रहा। भाई यहाँ पे हुकूमत BRS की है, एक खुली बात बोल रहा हूँ मैं, किशन रेड्डी एक मिनिस्टर होगा, मगर जो मुख्यमंत्री बोलता वो होता। ये डबल बेडरूम का स्कीम किसका है? BRS पार्टी का है। जब मुख्यमंत्री चाहता हो जाता,
कलेक्टर किसका है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसका है, कमिश्नर किसका है, पैसा किसका है, पूरा बीआरएस का है, पूरा केसीआर का है, वो तो आवाम का है केसीआर के नाम पे। तो किशन रेड्डी जो बात रोक रहा बोले, वो बात में दम नहीं है। किशन रेड्डी रोकने की बात कराऊंगा, मगर किशन रेड्डी को केसीआर के पास रोकने की उतनी हैसियत नहीं है। मगर इन दोनों की दोस्ती चल रही, उसके लिए कुछ किशन रेड्डी की बात उन्होंने सुन रहे होंगे। मगर अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिरोज खान एक ही डिमांड करा, डबल बेडरूम इमीडिएटली बन जाना, और इंशाल्लाह 3-4 महीने के बाद कांग्रेस की हुकूमत आ रही, बराबर हम डबल बेडरूम भी बनाएंगे, पट्टे भी देंगे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल AM न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।